एक आपकी तरह से जो आपने अब तक 250 रुपये पैकेट के साथ 500 पैकेट का गरीब आदमी आते हैं तो रेड क्रॉस वाले को हम जैसे हमें लगता है ना सब किसी से नहीं है तो 5-10 किलो गेहूँ का देते हैं ये देते हैं ये तो कई सालों से चल रहा है तो ये वाला चेक तो आप अपने पास प्लांट है तो इसमें वो डीएसओ को बोल के पीछे खाता नंबर लिखे हो तो ने बिल्कुल बनवा के रखा खाता नंबर किसके लिखे जो अभी वो आपने तो विज्ञापन में किया हां वो जो विज्ञापन दे वही है ना बस ये कि कोटक महिंद्रा का वही है उसी उसी को दिलवा रहे हैं ठीक है ठीक है और ये सीएम डाउन कर दिया खाने और सामान का वितरण कर रहे हैं आरएसी के जवान सारे वहाँ रुके हुए हैं एंचुली वार्ड के लिए इमरजेंसी व्यवस्था वहाँ की हुई है सारी नंबर आपके यहाँ पे शायद वो कोई नई धर्मशाला बन गई उसमें क्वारंटाइन हाँ वो 400 से 500 हाँ हाँ 400 बिल्कुल वो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमने व्यवस्था की नहीं सर नौकरा डेढ़ हमेशा ग्रीन रहता है 200 RSC में वगैरह सारे अब इसमें सबका सहयोग चाहिए हमें पूरा का पूरा व्यवस्थित सामान दे रहे हैं खाने के लिए जो भी आ रहा है उसको बिल्कुल निःशुल्क पिछली बार आपको 5 लाख अच्छा उस समय आपको आने का निमंत्रण दिया मुख्यमंत्री द्वारा समस्त धार्मिक संस्थाओं को सहायता के लिए आह्वान किया गया था इसके निमित्त नाकोड़ा ट्रस्ट ने कोरोना निवारण हेतु 11 लाख रुपए का चेक देके मुख्यमंत्री सहायता कोष में चेक दिया है। नाकोड़ा ट्रस्ट अन्य गतिविधियों कोई भी व्यक्ति मतलब उनके द्वारा जो भी वहां आ रहा है उनको निःशुल्क भोजन और समस्त सामग्री खाद्य सामग्री बांट देने की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा भी सुनने में आ रहा है सर नाकोड़ा आइसोलेशन को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं। आइसोलेशन लेकर नाकोड़ा पूरी की पूरी धर्मशाला शालीभद्र है जिसके अंदर 400 रूम की व्यवस्था है वो पूर्ण धर्मशाला आइसोलेट के लिए दे दी गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट है और ये आपदा आने के बाद में इंडियन क्रॉस की तरफ से गरीबों के लिए 1,75,000 का पैकेट के लिए हमने चेक दिया है कलेक्टर साहब को और 1.5 लाख का मुख्यमंत्री राजकोष के अंदर हमने ये सहयोग किया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी संस्था है ऐसे आपदाओं में हर टाइम अग्रणी रहेगी। अगर प्रशासन ने अगर जो हमारे को और भी हुक्म दिया कहीं जाने का या किसी गरीबों का बांटने का करने का हमारी टीम पूरी तैयार है और रहेगी। ओके।